जम्मू कश्मीर में बड़ा बस हादसा हुआ है। आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही बस खाई में गिर गई, जिसमें 6 जवानों की शहादत की खबर सामने आ रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 39 जवानों को लेकर यह बस जा रही थी, चंदनवाड़ी से पहलगाम इसका रूट था और बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से बस बेकाबू हो गई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें यही वो भयानक तस्वीरें, और जो तस्वीरें देख के लग रहा है ये जो इलाका पड़ता है चंदनवाड़ी का इलाका है। जब चंदनवाड़ी से आप लादेर होते हुए पहलगाम की तरफ जाते हैं उस वक्त इसी तरह का ट्रेन है, उस तरह के सड़कें हैं और पहाड़ी इलाका है आप देख रहे हैं, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से ऊपर से नीचे ये बस गिरी है खाई में। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बस की जो सीलिंग है यानी कि छत है उसे ऊपर लाकर रखा गया है, और साथ ही नीचे जो बस का जो पूरा मलबा है जिसमें शायद ही कुछ बचा होगा, और ये जेएनके स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी, तो जेएनके ट्रांसपोर्ट की बस जो सरकारी बसें होती हैं। और आप देखिए कि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पहले नज़र नहीं आता लेकिन अब जो देख रहे हैं प्राची, जो डिस्टेंस है सड़क से लेकर नीचे तक का वो करीब हमें लग रहा है कि 100 से 250 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 200 मीटर का है। तो 200 मीटर का जो सिर्फ रास्ता है लेकिन ऊपर से गिरने की वजह से बस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और इतनी ज़्यादा यहाँ पर कैजुअल्टी हुई है। बिल्कुल, मोटे मोटे पत्थर हैं, जब बस गिरी है तो बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसा कितना दर्दनाक था, कितना भीषण था, इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि 6 जवानों की जो शहादत है वो मौके पर ही हो गई। जैसे ही हादसा हुआ 2 की खबर तब आई जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी वहाँ पर रेस्क्यू टीम को, इस पूरे रेस्क्यू अभियान को चलाने में काफ़ी घंटों बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो पाया। तमाम जो घायल जवान हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। आप तस्वीरें देखिए, जो मलबा है बस का उसे ऊपर लाया गया है, जो सामान है जो जवानों से रिलेटेड है उसे भी निकाला गया है इस बस में से। तकरीबन 40 जवान इसमें सवार थे ऐसी जानकारी मिल रही है। 6 जवान शहीद हुए हैं। ये आईटीबीपी के जवानों को लेकर बस जा रही थी। ये जो तमाम जवान हैं ये अमरनाथ यात्रा में तैनात थे, अमरनाथ यात्रा खत्म हो चुकी है, ड्यूटी इनकी समाप्त हो चुकी है और इसी वजह से ये जो जवान हैं यहाँ से रवाना हो रहे थे। लेकिन इसी बीच ये बस दुर्घटनाग्रस्त होती है, खाई में जाकर गिरती है और 6 जवानों की शहीद होने की जानकारी सामने आती है। कई जवान घायल हैं जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ है। यह हादसा आपको बता दें चंदनवाड़ी से पहलगाम जाते वक्त हुआ है, और चंदनवाड़ी से पहलगाम जाते हुए जो रास्ता है वहाँ पर ही बस का शायद ब्रेक फेल हुआ होगा या फिर वो नियंत्रण खो बैठी बस और बस नीचे खाई में जा गिरी। और जो डिस्टेंस है सड़क से लेकर नीचे तक का वो करीब हमें देखने में लग रहा है 100 से 200 मीटर का रहा होगा। 100 से 200 मीटर अगर ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिरती है, खासतौर पे जैसे बस जो भारी भरकम होती है और नीचे अगर पत्थर हो तो उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही खतरनाक होता है, भयावह होता है। ये वजह है कि बस के चीथड़े उड़ गए हैं, उसका सीलिंग अलग हो गया है, और बस का आप देखिए कि जो साइड में जो दीवारें होती हैं जो पार्टीशन रहता है वो भी नज़र नहीं आ रहा, यानी कुल मिलाकर बस पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। और यही वजह कि 6 यहाँ पर हमारे जो जवान थे शहीद हुए हैं, दर्दनाक उनकी मौत हुई है, और बाकी जो इसमें करीब 39 लोग थे उसमें अभी भी कई लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और चंदनवाड़ी से पहलगाम जाते हुए हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत यह है कि जिस जगह पर हादसा हुआ है वहाँ से पहलगाम जो कस्बा है वो बेहद ज़्यादा दूर नहीं, इस वजह से वहाँ पर जो घायल हुए थे उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया पहलगाम के। लेकिन इस देखिए दो तो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया, और ये पहलगाम की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है। एक एक एम्बुलेंस से यहाँ पर जो घायल हुए हैं उनको ले जाया जा रहा है, स्ट्रेचर में ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस जगह पर घटना हुई है उस जगह पर आप देखेंगे तो ये खास तौर पे पहलगाम से आगे जब आप चंदनवाड़ी जाते हैं वहाँ का इलाका जहाँ से यह नदी निकलती है, और ये जो आप नाला देख रहे हैं ये आगे चल के झेलम बन जाती है आप, लेकिन यहाँ से जब गुजरे तो उसको लीडर भी कहा जाता है, लीडर स्ट्रीम इसका नाम है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। और ये चंदनवाड़ी और पहलगाम के ठीक बीचों बीच का इलाका है जहाँ पर यह हादसा हुआ। हालांकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते भी हैं, सैलानी आते हैं, और यहाँ पर इस तरह के हादसे को लेकर ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार क्या वजह रही, क्या ये ह्यूमन एरर था, ड्राइवर की ओर से कोई गलती थी कि उसने बस का नियंत्रण खो दिया, या फिर कोई टेक्निकल इशू था, मैकेनिकल इशू था जिसकी वजह से ब्रेक फेल हुआ और बस खाई में जा गिरी जिसमें 6 हमारे आईटीबीपी के जवान शहीद हुए हैं। और जेएनके स्टेट ट्रांसपोर्ट की ये बस नजर आ रही है जो हादसे का शिकार हुई थी, जिसे इसे हायर किया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।